राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा में 200 में से 184 व कांग्रेस ने 156 प्रत्याशी घोषित कर दिए। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के साथ साथ राजस्थान चुनाव की धार्मिक रंगत भी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ को तिजारा सीट से, हाथोज धाम के महंत बाल मुकुंदाचार्य को जयपुर शहर की हवा महल सीट और तारात्रा मठ के महंत प्रतापपुरी को पोकरण से टिकट दिया है। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कई दिग्गजों के टिकट काटकर चार दीवारी क्षेत्र की सीट हवामहल से बाल मुकुंदाचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। हवामहल सीट से ही कांग्रेस के महेश जोशी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था और अशोक गहलोत सरकार में महेश जोशी मंत्री भी रहे। इस बार महेश जोशी को अभी तक टिकट नहीं मिला है। हवामहल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र पारीख, पूर्व डिप्टी मेयर मनीष पारीख और पूर्व वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा की बेटी भाजपा से दावेदारी जता रहे थे। जयपुर की हवामहल सीट से बीजेपी की ओर से बाल मुकुंदाचार्य को उतारने पर यह मुकाबला और भी रोचक हो गया। इस सीट से अश्विदीन ओवैसी की पार्टी ने जमील खान को प्रत्याशी बनाया है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू कुरेशी का नाम भी है। ऐसे में दोनों ही प्रत्याशी मुस्लिम वोट काट सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने फिलहाल हवामहल सीट से किसी को भी अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। रोचक तथ्य यह भी है कि हवामहल विधानसभा सीट को मुस्लिम बाहुल्य सीट माना जाता है। यहां पर तकरीबन 90,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इस सीट पर आज तक कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता रहते हैं और व्यवसाय करते हैं। तो वहीं राजस्थान विधानसभा की 2023 की गहमा गहमी के बीच जयपुर के हाथोज धाम के महंत महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य को नोटिस देकर 6 माह के लिए पाबंद किया था। पिछले दिनों इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। दरअसल जयपुर के रामगंज में एक मारपीट में मुस्लिम समाज के एक लड़के की हत्या हो गई थी, जिसमें झगड़ा हिंदू मुस्लिम विवाद तक पहुंच गया और इस मामले में बाल मुकुंदाचार्य ने मंच से हिंदुत्व को लेकर भाषण दिया था, जिस पर पुलिस ने पाबंद भी किया था। जैसलमेर जिले की परमाणु नगरी के रूप में विख्यात पोकरण विधानसभा सीट पर इस समय परमाणु परीक्षण से ज्यादा चुनावी परीक्षण की चर्चा हो रही है। यहां बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी को दोबारा मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने पोकरण विधानसभा क्षेत्र से अपने मौजूदा विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद को एक बार फिर टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।